मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और इंदौर में जॉब करता था। जी पढ़ लिख करके चाय ना बेचे, इंजीनियर चाय वाला का हर जगह नाम हो, हर जगह ब्रांच हो। मेरा अभिषेक है, इन दिनों बिहार में या दूसरे प्रदेशों में चाय का दौर है और लोग अपनी अपनी ब्रांड की चाय बेच रहे हैं, फुटपाथ पर चाय बेच रहे हैं। कोई मिस्टर इंजीनियर चाय वाला है, कोई MBA चाय वाला है, तो कोई ग्रेजुएट चाय वाली है, तो अलग अलग चाय बेच रहे हैं और शिक्षित लोग चाय बेच रहे हैं। ये बड़ी बात है, आप देख सकते हैं किस तरीके से चाय बेची जा रही है और भीड़ भी है, कई लोग यहाँ चाय पी रहे हैं। आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर में एक और चाय की दुकान है जो कैदी चाय वाला काफ़ी पॉपुलर हुआ था और अब मिस्टर इंजीनियर चाय वाला है और देख सकते किस चाय बेच रहे हैं और लोग देख सकते चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से भीड़ है और चाय बेच कर कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। क्या चाय बेचने का दिमाग से कहाँ से है? जी बस मतलब अपना स्टार्टअप सोचा था तो मतलब ख्याल आया कि मतलब एक कम इन्वेस्टमेंट में एक ही मतलब इसको मैं कर सकता हूं, तो इसलिए चाय। क्या करते थे? पहले मैं जॉब करता था ऑटोमोबाइल कंपनी में, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और इंदौर में जॉब करता था। चाय बेच रहे हैं? जी अभी चाय बेच रहा हूं। अच्छा, वहां पर जॉब में कितने? 3 लाख पैकेज था, 25,000 सैलरी थी मेरी। 3 लाख का पैकेज था? जी 3 लाख का पैकेज छोड़कर चाय बेचने लगे? जी मतलब ये अपना काम है, इसको अपना आगे बढ़ाना है। एक मिस्टर इंजीनियर चाय वाला मैं चाहता हूँ कि एक ब्रांड बने, इसके फ्रेंचाइजी जगह जगह खुले, अलग अलग ब्रांच हो। तो चाय वाले हैं और देख सकते हैं किस तरीके से लोग चाय भी पी रहे हैं। अच्छा, माता पिता ने इसको विरोध किया? जी बिल्कुल किया, विरोध अभी भी कर रहे हैं। वो लोग अभी नहीं चाहते हैं कि ये सब काम करे, कि पढ़ लिख करके चाय ना बेचे, कि वो जॉब में संतुष्ट थे, वो नहीं चाहते हैं कि नौकरी छोड़ करके ये काम करे। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जॉब कर रहा था, सही कर रहा था, मतलब ये सब मतलब पढ़ाया लिखाया और चाय बेच रहे हो तो ये ठीक नहीं है, बस यही बोलते हैं। ये सब ठीक नहीं है? जी। कितने दिन से ये कर रहे हैं? 1 month हो गया मुझे तो। जी क्या रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स अच्छा है सर। रिस्पॉन्स अच्छा है? जी उम्मीद है? जी बिल्कुल उम्मीद है। तो क्या चाहते हैं भविष्य? भविष्य में चाहता हूँ कि मतलब एक एंटरप्रेन्योर बनने का, कि एक हमारा एक छोटा सा स्टार्टअप एक ब्रांड बने और मतलब मिस्टर इंजीनियर चाय वाला का हर जगह नाम हो, हर जगह ब्रांच हो। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है इन्होंने, 3 लाख की नौकरी भी छोड़ी और माता पिता का विरोध भी सहा, इसके बावजूद ठेले पर चाय बेच रहे हैं और भरोसा है कि मेरा ये एक छोटी सी ये ठेला एक दिन बड़ा ब्रांड बनेगा। तो उम्मीद है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इनकी उम्मीदें कहाँ जाती हैं। लोग चाय पी रहे हैं। चाय कैसा है? बहुत अच्छा चाय है। अच्छा, क्या लगता है नौकरी उकरी छोड़ के चाय बेचना कितना जायज़ है? अच्छा काम है। अच्छा, एकदम अच्छा बात है। अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये ठेला, छोटा सा ठेला, इनकी उम्मीदें हैं कि ये बड़ा ब्रांड बने, तो कब ब्रांड बनेगा। लेकिन देख सकते हैं मिस्टर इंजीनियर चाय वाले हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ग्रेजुएट चाय वाली हो या MBA चाय वाला हो या और कैदी चाय वाला, तो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं लोग चाय से। तो देखने वाली बात होगी कि कितनी आगे कमाई होती है, लेकिन इनका साफ साफ कहना है संतुष्ट है और कमाई अच्छी है, माता पिता का विरोध भी सहा है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।